हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आई इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे एंड द लेवल ऑफ दिज क्वेश्चन इज बिफिटिंग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो यू के लेवल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सेट किए गए हैं एंड सम ऑफ द क्वेश्चन आर अपबेट ऑन द डिफिकल्ट साइड सम यू विल फाइंड आर ऑन द ईजियर साइड लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के आई हैव ट्राइड टू फ्रेम सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट एस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसैरिली विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरिल अ फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सो इन इंडिया वी फॉलो द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इनमें से कौन सा जरूरी नहीं है कि उसका एक फीचर हो वन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट टू मेजॉरिटी पार्टी रूल थ्री नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव और फोर्थ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर इनमें से कौन सा जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर हो बाकी तीन जो है दे हैव टू बी देयर इन एनी पार्लियामेंट्री सिस्टम सो वॉट इज द आंसर सी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर दिस इज़ अ फीचर अगर हम इस चीज़ को करना चाहते हैं तो हमें कोई भी दो ऐसी कंट्रीज़ कंपेयर कर लेनी चाहिए जहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से तो दोनों कंट्रीज़ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सो so, लेट us सी कि उन पर कौन कौन से फ़ीचर अप्लाई होते हैं अगर हम नीचे से शुरू करें कलेक्टिव रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर दिस इज़ ट्रू एक्जिव इज द प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेजिडेंट क्या ये सारे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेचर को येस दे आर बिकॉज द लेजिस्लेचर कैन रिमूव द एग्जीक्यूटिव बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए दैन प्राइम मिनिस्टर एंड द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल हैव टू रिजाइन अ न्यू गवर्नमेंट विल हैव टू भी कॉन्स्टिट्यूटेड सो ये फीचर तो दोनों जगह हैं ब्रिटेन में भी ऐसा हो सकता है इंडिया में भी हो सकता है राइट लेट्स गो टू द सेकेंड वन नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव क्या एग्जीक्यूटिव में ये क्लासिफिकेशन है कि एक नॉमिनल यानी कि नाम का एग्जीक्यूटिव है और एक असल में एग्जीक्यूटिव है सो इन इंडिया वी हैव अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट एंड इन ब्रिटेन वी हैव अ एंडल एग्जीक्यूटिव इन द फॉर्म ऑफ क्वीन ऑफ इंग्लैंड रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इंडिया में रियल एग्जीक्यूटिव एट द यूनियन लेवल इज प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटेन में भी देयर इज प्राइम मिनिस्टर सो यस पैरल है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव अगेन इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो ये भी नॉट नेसेसरली वाला कैटेगरी में नहीं आता थर्ड इज मेजोरिटी पार्टी रूल अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर होता है दैट द पार्टी दैट एंजॉयज मेजॉरिटी सीट्स इन द लोअर हाउस ऑफ द यूनियन लेजिस्लेचर इज द रूलिंग पार्टी तो इंडिया में द हाउस इज लोकसभा ब्रिटेन दट हाउस इज हाउस ऑफ कॉम हाउस ऑफ कॉम तो लोकसभा में जो पार्टी मेजोरिटी लेके आती है वो रूलिंग पार्टी बन जाती है जैसे फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ नाव बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी इन इंडिया बिकॉज इट हैज मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द लोकसभा लोकसभा में फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव की टोटल स्ट्रेंथ है फाइव फोर्टी थ्री राधर तो उसमें से टू हंड्रेड एंड सेवेंटी टू सीट से ज्यादा जिसकी भी आती है उसका लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है एंड दैट पार्टी इज द रूलिंग पार्टी सो राइट नाउ बीजेपी हैज़ मोर देन 300 सीट्स सो नेचुरली इट गेट्स टू बी द रूलर ऑफ द कंट्री तो मेजोरिटी पार्टी रूल है येस यू के में भी ऐसा ही है ब्रिटेन में दिस इज द सेम रूल कि हाउस ऑफ कॉमनस में जिसकी मेजोरिटी होती है दैट पर्सन गेट्स टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर सो येस दिस इज़ ऑल्सो पार्लियामेंट्री फीचर तो ये भी दोनों जगह अप्लाई हो रहा है नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ वन विच इज द ऑब्वियस आंसर बट लेट जस्ट सी इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट अब हेड ऑफ स्टेट कौन कौन होता है इंडिया में हेड ऑफ स्टेट है प्रेजिडेंट यूके में हेड ऑफ स्टेट है क्वीन ऑल दो दे आर नॉमिनल ऑल दो दे आर सिंबॉलिक बट दे आर हेड ऑफ स्टेट लेकिन क्या ये दोनों इलेक्टेड हैं द की वर्डर इज इलेक्टेड आर दे इलेक्टेड ना प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड चाहे इनडायरेक्टली ही सही बट हीज ही क्वीन ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट इलेक्टेड द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इज़ अ हैरिडिट्री हेड यानि कि फैमिली लाइन में पास ऑन होता है सी क्वींस क्वीन्स चिल्ड्रन विल बिकम किंग्स एंड क्वीन्स इन द फ्यूचर सो इट इज़ अ हैरिडिट्री ऑक्यूपेशन इन ब्रिटेन बट इन इंडिया इट इज़ नॉट इंडिया में प्रेजिडेंट के बच्चे आगे प्रेजिडेंट नहीं बनते इट इज़ अ इलेक्टेड पोस्ट सो येस ये एक फीचर है जहाँ पर वेरिएशन आ गई है सो इट इज़ नॉट नेसेसरि अ फीचर ऑफ पार्लियमेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सो ए इज़ योर सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्टेड हेड हो ये जरूरी नहीं है ओके देन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट इज एन असेंशियल फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होना किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एसेंशियल फीचर है वो भी आपको बता देता हूं दैट इज इफ द कंट्री इज अ रिपब्लिक इफ द कंट्री इज अ रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट हैज टू बी इलेक्टेड वन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सो रिपब्लिक इज दैट कंट्री where the head of state is elected that means britain is not a republic second question consider the following statements number 1 the conduct of all elections to the panchayats is vested in the election commission of india all elections to the panchayats is vested in election commission of india second the state election commissioner is appointed by the governor of the state third the state election commission

प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट राज्यसभा मेंबर लोकसभा मेंबर लेजिस्टिव काउंसिल मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव असम्बली मेंबर्स दीज आर द सिक्स इलेक्शन कंडक्टेड बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाउ एज फार एज स्टेट इलेक्शन कमीशन इज कंसर्न स्टेट इलेक्शन कमीशन ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थी इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई थी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए सो एट द पंचायत लेवल यानी कि द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड एट द अर्बन लोकल बॉडीज़ लेवल तो तीन तरह के इलेक्शन होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ में नगर पंचायत म्युनसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो तीन तरह के इलेक्शन अर्बन लोकल बॉडीज़ में और तीनों लेवल के इलेक्शन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में दैट इज़ ग्राम पंचायत पंचायत समिति एंड जिला परिषद

स्टेट इलेक्शन कमीशन इज सबॉर्डिनेट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसे वो अपनी एनुअल रिपोर्ट देता है दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता है और वो अपनी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं बल्कि स्टेट के गवर्नर को देता है सो दिस इज नॉट करेक्ट तो आपका आंसर हो जाएगा टू ओनली सो टू इज योर आंसर इट इज नॉट सबॉर्डिनेट टू इलेक्शन कमीशन सो दैट इज योर आंसर थर्ड क्वेश्चन

कि हर ऑप्शन में तीन ही चॉइसेस हैं सो दैट मींस इन पांचों में से सिर्फ तीन ही कमीशन और कमिटीज हैं जो कि इसका आंसर है सो सो टू आर डेफिनेटली रॉन्ग दैट इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज वन टू एंड थ्री द फजल अली कमीशन द जेवीपी कमिटी एंड द धर कमीशन ये तीन कमीशन थी जो स्टेट्स रिओर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी फ्रॉम टाइम टू टाइम देखते हैं इनके बारे में तो जो फजल अली कमीशन है वेल <clears throat> well, सबसे पहले बिठाई गई थी एस के धर कमीशन राइट इन 1948 फोर्टी इसे लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन भी कहा गया बिकॉज उस टाइम पे बहुत डिमांड थी कि लैंग्वेज के बेस पे जो प्रोविंस है उन्हें डिवाइड किया जाए सो दिस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इट रिकमेंडेड रीऑर्गनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देन लिंग्विस्टिक फैक्टर तो इसने रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज शुड नॉट बी क्राइटेरिया फॉर रिऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बिकॉज इंडिया ऑलरेडी हैड सो मैनी फिसिपेरस टेंडेंसीज एट द टाइम सो दिस कमीशन वॉज नॉट ऑफ द व्यू कि लैंग्वेज के बेस पर हम फर्दर डिविजन्स क्रिएट कर दें ये हमारी आज की सोच है कि अगर लैंग्वेज के बेस पर हम स्टेट बनाते हैं तो वो ज्यादा यूनाइटेड रहती है एट दैट टाइम द एटीट्यूड एंड दिचुएशन वॉज दैट कि हम किसी नए क्राइटेरिया के बेस पे स्टेट नहीं बनाना चाहते थे सो दिस कमीशन रिजेक्टेड द आइडिया तो उसके बाद लोगों में रिजेंटमेंट हुई तो उसके बाद एक बहुत अथॉरिटेटिव कमीशन बनाई गई जिसमें ऐसे लोग हों जिनकी बात लोग मान लें दैट मीन्स दे शुड बी वेरी हाईली रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स हु आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल तो इसलिए बनी जे कमेटी जिसके तीन मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ताभी सीतारमैया जे वी पी कमेटी इसने जो है अपनी रिपोर्ट दी एंड इट ऑल्सो फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रिओर्गेनाइजेशन इसने भी रिजेक्ट कर दिया पर लोग जो थे वो कहाँ रुकने वाले थे सो अ फ्यू ईयरस आफ्टर दैट अगेन देयर वर डिमांड्स कि नहीं स्टेट्स को रिआर्गेनाइज किया जाए सो फाइनली गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर जस्टिस फजल अली एंड इट ऑल्सो रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट तो ये तीन कमीशन्स इससे रिलेटेड हैं क्वेश्चन नंबर फोर अ फेयरली इजी वन चूज द करेक्ट ऑर्डर एज रिटर्न इन द प्रियम्बल प्रियम्बल में जो की वर्ड्स हैं उनका उनमें से जो करेक्ट ऑर्डर है उसे चूज कीजिए सो इट इज़ बेटर इफ यू मेमोराइज द प्रियम्बल बिकॉज इफ यू मेमोराइज द प्रियम्बल दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर यू अदरवाइज दिस कैन बी क्वाइट क्वाइट कंफ्यूजिंग इसमें से सही जो ऑर्डर है वो क्या है So, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो अगर हम प्रीएम्बल को देखें तो यही ऑर्डर उसमें दिया गया है सो दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दिस इज द करेक्ट ऑर्डर अर्लियर इट वॉज सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड दीज टू वर्ड्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल ये दोनों वर्ड्स प्लस Integrity. These three words were added by 42nd Constitutional Amendment Act, the mini constitution of India. So, socialist, secular, and integrity. These three words not there but now they are. So, the order is sovereign, socialist, secular, democratic republic. Question number five. Article 15 of the Constitution. Now, this question is from fundamental rights. आर्टिकल फिफ्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल्स द स्टेट फॉर मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस आर्टिकल फिफ्टीन स्पेशल प्रोविजंस बेसिकली आर्टिकल फिफ्टीन जो है इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस ग्राउंड्स लेकिन उसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट की गई हैं तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किस क्लास या किस कैटेगरी ऑफ सिटीजन के लिए क्रिएट की गई हैं नंबर वन विमेन एंड चिल्ड्रन नंबर टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स नंबर थ्री इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस सेलेक्ट द करेक्ट कोड इनमें से किस कैटेगरी के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या फिर एक्सेप्शन क्रिएट की गई है विद इन द आर्टिकल फिफ्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वन टू थ्री सो टू ओनली वन एंड टू टू एंड थ्री और ऑल ऑफ द अबव द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव अगर यही क्वेश्चन दो साल पहले पूछा गया होता लाइक बाई द एंड ऑफ टू थाउजेंड एटीन तो इसका आंसर होता वन एंड टू ओनली लेकिन बाय हंड्रेड एंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनलेंट एक्ट टेन परसेंट रिजर्वेशन बिन प्रोवाइडेड टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दैट मीन दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन नाउ तो फिफ्टी आर्टिकल के अकॉर्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इन सभी कैटेगरीज के लिए कुछ स्पेशल कर सकती है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हैज डन दैट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स देर इज रिजर्वेशन और अब हंड्रेड एंड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद टेन परसेंट रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी दे दी है सो ऑल थ्री आर एक्सेप्शन लेटस तो आर्टिकल फिफ्टीन जो है इट प्रोवाइड्स प्रोहिबिशन फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ तो एक तरफ तो ये सेक्स के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन बैन कर रहा है कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन बैन कर रहा है बट इट इज क्रिएटिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस और एक्सेप्शंस एज वेल जैसे में लिखा हुआ है दैट स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रेन फोर में लिखा हुआ है स्टेट कैन टेक स्पेशल मेजर्स इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स तो इन्हीं दो प्रोविजन की वजह से विमेन और चिल्ड्रन के लिए और एस सीज और एस टीज के लिए काफी सारी प्रोविजन गवर्नमेंट देती है और उसी तरह आर्टिकल फिफ्टीन क्लाज सिक्स सब क्लॉज एड किया गया है दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल

जब तक इन तीनों चीज़ों की आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस इज एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नंबर वन फंडामेंटल राइट्स नंबर टू फंडामेंटल ड्यूटीज एंड नंबर थ्री डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन तीनों के बारे में विच ऑफ द अबव प्रोविजन्स इज फुलफिल्ड बाय स्वच्छ भारत अभियान सो यू शुड नो स्वच्छ भारत अभियान क्या है ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बनाना है सफाई रखनी है सैनिटेशन हैज टू बी द मेन से तो स्वच्छ भारत अभियान इनमें से किस प्रोविज़न के किस प्रोविज़न को फुलफ़िल करता है यानी कि क्लीनलीनेस से रिलेटेड कौन सी जो प्रोविजन हैं वो इनमें से किस किस पार्ट में फॉल करती हैं क्या फंडामेंटल राइट्स में ऐसी कोई प्रोविज़न है क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है सो वन ओनली थ्री ओनली वन एंड थ्री ओनली और वन टू एंड थ्री सो दिस इज़ वट यू हैव टू टेल क्या फंडामेंटल राइट्स में कोई ऐसा राइट right है सिटीजन्स का जिसमें उन्हें राइट right है कि वो साफ रह सकें समथिंग लाइक दैट या फंडामेंटल ड्यूटी में क्या उन पर कोई ड्यूटी लगाई गई है दैट दे हैव टू कीप द स्पेस क्लीन एंड टू मेन्टे हाइजीन या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या स्टेट को ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दी थी दैट दे हैव टू डू समथिंग फॉर द क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ऑफ सिटीजन्स दैट इज वट यू हैव टू अप्लाई योर माइंड ऑन तो अगर आपको ये तीनों पार्ट्स अच्छे से पता है पार्ट थ्री पार्ट फोर एंड फोर ए देन दिस क्वेश्चन कैन भी ईजी फॉर यू यू कैन जस्ट अप्लाई यूर माइंड आर्टिकल वाइज और आप देख सकते हो कि कौन सा इसमें अप्लाई होता है ना द करेक्ट आंसर इज डी वन टू एंड थ्री तीनों में स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिया हुआ है लेटस सी सबसे पहले आर्टिकल ट्वेंटी वन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नाउ वी नो आर्टिकल ट्वेंटी वन इज द मोस्ट लिबरल इंटरप्रेटेड आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो इसमें राइट टू लाइफ के अंदर सारा कुछ ही कोर्ट्स ने टाइम टू टाइम इंटरप्रेट कर दिया है तो इसमें एक राइट टू क्लीन एंड हेल्थी एन्वायरमेंट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन उसे क्लीन एनवायरमेंट का राइट right है ये भी कोर्ट ने होल्ड किया है अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी वन सो ये सिट इज अ फंडामेंटल राइट देन सिमिलरली आर्टिकल फोर्टी सेवन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इट डायरेक्ट द स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो सफाई रखनी है सैनिटेशन रखनी है गार्बेज कलेक्शन करनी है कम्स अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज वेल और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में एड की गई थी बाई फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट इट ऑल्सो डिनाउंसिज प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन एंड इम्प्रूविंग द एनवायरमेंट विच इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल फिफ्टी वन ए सब क्लॉज ई राइट सो फंडामेंटल ड्यूटी है हर इंडियन सिटीजन की कि वो ऐसी प्रैक्टिसज को डिनाउंस करे जो कि डिग्निटी ऑफ वुमेन को कम करती हैं अब यहाँ डिग्निटी ऑफ वुमेन कहाँ से आ गई स्वच्छ भारत में बिकॉज मोस्ट ऑफ द ओपन डेफिकेशन इज बिंग डन बाई रूरल वुमेन तो अगर वुमेन को टॉयलेट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इट विल प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन सो इन दैट वे इट इज़ कनेक्टेड ऑल्सो इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट अंडर आर्टिकल फिफ्टी वन ए सब क्लॉज ई तो यानी कि तीनों ही तरीके से स्वच्छ भारत अभियान इन तीनों कमिटमेंट्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी स्कीम एक्चुअली कोई भी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करती है ट्राई टू लिंक इट विद फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड मे बी सम अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट योर एप्लीकेशन पार्ट बिकम्स स्ट्रांग नेक्स्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट द प्रेजिडेंट कैन रिटर्न अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट ये आपका अब यूनियन लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का क्वेश्चन है सेकेंड अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी रिजर्व फॉर द ज्वाइंट पार्लियामेंट थर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया मस्ट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है दिस की वर्ड शुड नॉट बी फोगॉटन अगर यहां पर इनकरेक्ट लिखा होता तो हम सिर्फ इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते सो so,

थर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया मस्ट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा देखिए अमेंडमेंट बिल को हमने फर्दर क्लासिफाई नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेडमेंट बिल उसमें वो फेडरल फीचर से डील कर रहा है या नहीं या नहीं कर रहा है उसका इस बात पर कोई असर नहीं होता कि वह पहले किस हाउस में इंट्रोड्यूस होगा दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है क्योंकि दोनों हाउसेज के पास पावर बराबर होती है एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशनमेंट बिल इज कंसर्न हाँ अगर ये फेडरल फीचर यहाँ पर पूछ रहा है तो उससे फर्क सिर्फ ये पड़ेगा दैट इट विल ऑल्सो रिक्वायर द कंसेंट ऑफ मोर देन हाफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स और अगर ये फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड अमेंडमेंट नहीं है तो फिर वो सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने पास करनी है बट किस हाउस में वो पहले इंट्रोड्यूस होगा दैट डज नॉट मैटर दोनों में से किसी भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस हो सकता है तो आपकी सही स्टेटमेंट हो गई ओनली टू सो लेजिस्लेटि प्रोसीजर यू शुड बी अवेयर ऑफ क्वेश्चन नंबर एट तो यहां पर थोड़ी सी लेजिस्लेटिव uh, टर्मिनोलॉजी है हाउस में बिल्स के टाइम पे डिवीजन क्या होती है गिलोटिन मोशन एंड पॉइंट ऑफ ऑर्डर एंड दीज आर द डेफिनेशन इन लिस्ट टू तो इन्हें आपको मैच करना है लेट एस ट्राई टू डिसाइफर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन सबसे पहले डिवीजन क्या होती है डिवीजन का मतलब होता है डिवीजन मीन्स द मोड ऑफ अराइविंग एट अ डिसीजन यस दैट इज़ द आंसर द मोड ऑफ अराइविंग एट अ डिसीजन देखिए डिवीजन का मतलब ये नहीं होता डिवाइड करना डिवीजन का मतलब होता है कि किसी चीज पर बहुत डिस्कशन होली नाउ इफ अ मेंबर डिमांड्स डिवीजन इसका मतलब वो डिवीजन ऑफ वोट्स की डिमांड कर रहा है डिवीजन ऑफ वोट्स ताकि सीधा वोटिंग करा के देखी जाए कि फेवर में कितने हैं और अगेंस्ट कितने हैं दैट इज नोन एज डिवीजन सो इट इज़ द मोड ऑफ अराइविंग एट अ डिसीजन तो यानी कि ए का आंसर हो गया फाइव तो यानी कि हमारी पहली ऑप्शन गलत है और चौथी ऑप्शन भी गलत है देन सेकेंड इज गिलोटिन गिलोटीन का मतलब होता है टू कंक्लूड डिस्कशन ऑन अ डिमांड फॉर ग्रांट गिलोटिन जो वर्ड है ये आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन से तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में उस वक्त जो फ्रांस का राजा था वो इतना ज्यादा क्रूअल था और फ्रेंच रेवोल्यूशन के जस्ट बाद जो जैकोबियंस पावर में आए थे उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को मार दिया था कैपिटल पनिशमेंट दी थी और लोगों को मारने का तरीका होता था एक डिवाइस होती थी जिसे कहा जाता था गिलोटिन और गिलोटिन में जो आ, मरने वाले का सर है वो एक लकड़ी के फट्टे पर रखा जाता था और ऊपर से आकर जो ब्लेड है वो गिरता था बहुत तेज़ी से और जो गर्दन है वो कट जाती थी डिलेप मतलब डी जो है वो करते थे तो दैट दैट मशीन वॉज नोन एज गिलोटिन तो गिलोटिन का मतलब होता है एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर देना दैट इज़ नोन एज ए गिलोटीन तो so, यहां पर गिलोटिन का मतलब है टू कंक्लूड डिस्कशन ऑन डिमांड फॉर ग्रांट कि जितनी भी डिमांड्स हो रही हैं ग्रांट के लिए जो कि बजट का प्रोसेस है उनको एकदम से कंक्लूड कर देना एक ही बार में इस वोट कराना दैट इज नोन एज गिलोटिन मोशन का मतलब होता है फॉर्मल प्रपोजल मेड मेंबर किसी भी चीज को मूव करना है किसी मेंबर ने एक फॉर्मल प्रपोजल देना है दैट आई प्रपोज प्रपोज टू मूव दिस पर्टिकुलर मोशन तो कोई भी प्रपोजल कोई मेंबर दे रहा है दैट इज इज नोन एज अ मोशन सो दिस टू एंड देन पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ ऑर्डर ऑर्डर होता है कि हाउस में कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा मान लीजिए कोई हाउस ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा है एक बुक बनी हुई है रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा पे बुक बनी हुई है अब हो सकता है कई बार हाउस के अंदर ही डेलीबरेटली रूल फॉलो ना हो रहा हो या कोई रूल वायलेट हो रहा हो तो उसमें से कोई भी मेंबर खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकता है दैट आई वांट कि चेयर का ध्यान मैं इस तरफ दिलाऊं या जो भी उस पर चेयर कर रहे हैं उस हाउस को प्रिजाइड कर रहे हैं कि मैं उनका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ दैट काइंडली फॉलो दिस पर्टिकुलर रूल जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ़ दिस हाउस में लिखा हुआ है कि रूल से बाहर जा रहा है हाउस काइंडली फॉलो द रूल्स तो उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना सो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मीन्स रिलेटिंग टू द इंटरप्रिटेशन और एनफोर्समेंट ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशन तो डी का है थ्री

नंबर वन मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी नंबर टू जीएसटी काउंसिल नंबर थ्री नीति आयोग तो थोड़ा सा इकोनॉमी का भी पोर्शन यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया बेसिकली पहले आपको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब पता होना चाहिए सेकेंडली आपको इन तीनों बॉडीज़ की कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए कि इनमें होता कौन कौन है हु आर द मेंबर्स हु इज द चेयरपर्सन अगर आपको ये पता है ओनली देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन सो यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर किन किन बॉडीज से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म झलकता है वन एंड टू टू एंड थ्री वन एंड थ्री और वन टू एंड थ्री देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है जहां पर यूनियन और स्टेट्स इकट्ठे मिलकर काम करें इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से वो बॉडीज जिनमें यूनियन गवर्नमेंट का भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है और स्टेट गवर्मेंट्स का भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है दैट बॉडी एम बॉडी इज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल सॉरी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिस बॉडी में सिर्फ एक ही तरह की गवर्नमेंट या कोई स्पेशलिस्ट uh, जो है वो रिप्रेजेंटेड है दैट इज नॉट अ फेडरल बॉडी दैट इज नॉट अ कोऑपरेटिव फेडरल बॉडी तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आर की बॉडी है हेडेड बाय द गवर्नर ऑफ आर इसके अलावा आर के डेपटी गवर्नर इसके मेंबर होते हैं एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ आर इज ऑल्सो इट्स मेंबर तो सारे स्पेशलिस्ट होते हैं इनका यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता इट्स प्योरली बैंकिंग बॉडी फॉर सेटिंग अप द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री तो ये तो इस कैटेगरी में फॉल नहीं होती है सेकेंड इज जी एस टी काउंसिल और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि हंड्रेड एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनी थी जब जी एस टी बिल पास हुआ था तो इसमें जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं दैट इज द चेयरपर्सन एंड द फाइनेंस मिनिस्टर्स और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाई द स्टेट इज अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसिल यानी कि सभी के सभी स्टेट्स भी रिप्रेजेंटेड हैं

प्लस द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर आर द मेम्बर्स ऑफ नीति आयोग तो इसका मतलब यहाँ पर भी सारे के सारे यूनिट्स ऑफ फेडरलिज्म रिप्रेजेंटेड है सो दिस ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो जी एस टी काउंसिल में भी और नीति आयोग में भी सेंटर और स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे बैठकर डिसीजन लेते हैं सो येस दे एम्बॉडी द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो आपका आंसर हो जाएगा टू एंड थ्री सो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म And the composition of all the committees to answer this question. So, GST Council, Nitya Yogan, Monetary Policy Committee, and their composition. Last question Which of these characterizes judicial overreach? In my say, judicial overreach ki example hai as different from judicial activism or judicial review. Teen important terms. तो में से जुडिशियल ओवर रीच की डेफिनेशन कौन सी है ए ट्रांसग्रेशन ऑफ जुडिशियरी इन टू एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डोमेन बी जुडिशियरी पासिंग ऑर्डर टू द एग्जीक्यूटिव ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस सी जुडिशियरी अ पार्लियामेंट्री लॉ दैट वॉज पास बाय ड्यू प्रोसीजर और डी ऑल ऑफ दिन इनमें से जुडिशियल ओवर रीच की एग्जाम्पल क्या है देखिए ये तीनों जो चीजें बताई गई हैं सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवररीच। इन तीनों में बहुत ही कम फर्क होता है देर इज अयर लाइन डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री जो जुडिशियल रिव्यू है ये पावर लेजिटिमेटली जुडिशियरी में डाली गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के किसी भी एक्ट को जुडिशरी रिव्यू करके देख सकती है कि क्या वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं और अगर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो पूरे के पूरे एक्ट को या उसके किसी पार्ट को नलिफाई डिक्लेयर कर सकती है ये पावर होती है जुडिशियल रिव्यू की यानी कि द पावर ऑफ़ द जुडिशियरी टू रिव्यू एनी एक्ट और एक्शन ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव टू सी वेदर इट इज़ इन कन्फर्मिटिव विद द आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट तो ये तो पूरी लेजिटिमेट पावर है जुडिशियल रिव्यू उससे एक स्टेप जब जुडिशरी आगे चली जाती है इट स्टार्ट टू एक्ट एज एन एक्टिविस्ट यानी कि जुडिशरी प्रो एक्टिव इंटरेस्ट लेने लग जाती है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल और इन फ्रेमिंग सम यू कैन से रूल्स और समथिंग जिससे कि कोई ना कोई एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके तो वहाँ पर जुडिशियरी एक्टिविस्ट की तरह काम कर रही है जुडिशल एक्टिविज्म को कुछ लोग पॉजिटिवली देखते हैं कुछ लोग थोड़ा नेगेटिवली भी देखते हैं बिकॉज जुडिशियल एक्टिविज़म जब एक हद से पार हो जाता है इट बिकम्स जुडिशियल ओवर जुडिशल एक्टिविज्म की एग्जाम्पल है जैसे जुडिशरी कोई भी किसी केस का सो मोटो कॉग्नीजेंस ले सकती है इवन विदाउट फाइलिंग अ कंप्लेंट इफ द सुप्रीम कोर्ट टेक सो मोटो कॉग्नीजेंस ऑन इट्स ओन ऑफ सम मैटर ऑफ़ पब्लिक इंपॉर्टेंस और उसके ऊपर वो कोई रूलिंग जो है वो गवर्नमेंट को दे दें दैट इज़ जुडिशल एक्टिविज्म जुडिशरी इज़ एक्टिंग एज अ एक्टिविस्ट टू सॉल्व सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेकिन जब उससे एक स्टेप और ऊपर बढ़ जाती है जुडिशरी देन इट लीड्स टू ओवर रीच अब ओवर रीच मतलब अपनी हद से बाहर चली गई जुडिश। है जुडिशरी समथिंग ओवर रीच मीन्स टू गो आउट ऑफ द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ प्रिंसिपल जुडिशियरी लेजिसलेचर और एग्जीक्यूटिव में पावर डिवाइडेड है एंड सेपरेटेड है सो समटाइम्स जुडिशरी गोज आउट ऑफ इट्स रीच दैट इज जुडिशियल ओवर रीच इसका मतलब है जब एक्सप्रेसली जुडिशरी वो काम करने लग जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे नहीं दिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने या तो लेजिस्लेचर को दिए हैं या फिर एग्जीक्यूटिव को दिए हैं क्या काम दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको लेजिस्लेचर को काम दिया है लॉ बनाने का यानी कि अगर जुडिशरी लॉ बनाने लग जाए देन इट इज़ जुडिशल ओवर रीच या फिर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का सारा काम करने लग जाए देन इट जुडिशल ओवर रिच सो जुडिशल ओवर रीच है नंबर वन इफ जुडिशरी ट्रांसग्रेसिज इंटू एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डोमेन सो दिस इज़ द आंसर ऑफ जुडिशियल ओवर रीच सेकेंड जो है जुडिशियरी पासिंग ऑर्डर्स टू द एग्जीक्यूटिव ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस तो जो बी है दैट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है उसके ऊपर जुडिशरी ने खुद उसकी उसका संज्ञान लिया टूक सो मोर टू कॉग्निजेंस एंड पास दैन ऑर्डर दैट इज एक्टिविज्म जुडिशियरी एक्टिविस्ट की तरह काम करिए विच इज गुड फॉर अ डेमोक्रेसी आई वुड से थर्ड इज जुडिशरी नलिफाइंग अ पार्लियामेंट्री लॉ दैट वॉज पासड बाई ड्यू प्रोसीजर पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था लेकिन जुडिशरी ने उसे नलीफाई कर दिया तो ये काम तो दिया ही है कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को दिस इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू तो ये तीनों की डेफिनेशन है जुडिशियल ओवर रिच जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन द थ्री सो यू शुड हैव अ गुड होल्ड ओवर द कॉन्सेप्ट टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो दैट वॉज ऑल दैट वी हैड टू डिस्कस इन दिस वीडियो Uh, I hope you liked the video. Koi bhi doubt or anything you can mention in the comments. Thank you and all the best for your exams.